अभी आपको तो लग रहा होगा मैं खुद ही रंग बिरंगी हूँ। देखिए मेरा जैसा कुर्ता है, आई मीन घाघरा है, कितना कलरदार है, मेरा दुपट्टा है, मेरा ब्लाउज है। आप जब सब कहते हैं कि तनीषा डिफरेंट है, तनीषा का स्टाइल डिफरेंट है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कुछ डिफरेंट ना करूँ। फिलहाल तो मेरे लिए ऐसी कोई बुराई नज़र नहीं आती है, क्योंकि लोग मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं और मैं भी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर हाँ बुराई अगर किसी की भी जलाना चाहूँगी तो मुझसे रिलेटेड पर्टिकुलर नहीं, मैं ये चाहूँगी कि लोगों में जो बहुत जल्दी जो किसी के प्रति अगर दुश्मनी आ जाती है, भेदभाव आता है, तो मैं उस बुराई को डेफिनेटली जलाना चाहूँगी कि लोग भेदभाव न रखें किसी के भी साथ। आज के डेट में डिस्क्रिमिनेशन जो शब्द है ना, ये आई थिंक इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जो होलिका में आग लगती है ना, उसी में ना इसको जला देना चाहिए। तो मैं पर्सनली इसको जलाना चाहती हूँ। चलिए ये देखिए, ये पीला रंग और ये ऑरेंज है और ये रानी है, ये पीला है और ये हरा है। तो रंग ऐसी चीज़ है ना कि वो कोई भी उदास हो या कोई भी दुखी हो, आप जस्ट उसको ऐसे टैप करके ऐसा लगा देंगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली जान आ जाती है, उसमें ऑटोमेटिकली खुशी आ जाती है। तो इसीलिए होली मेरे नज़र में ऐसा त्यौहार है कि इंसान को ऑलमोस्ट बहुत मनाना चाहिए, बिकॉज ये होली के त्यौहार में लोग प्यार से गले मिलते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं। तो इस बहाने जो रंजिश होती है, जो बुराइयाँ होती है, वो दिल से, दिमाग से, जहन से निकल जाती है। तो दैट्स व्हाई लव होली लॉट। नहीं, मैं भांग बिल्कुल नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे नशा नहीं पसंद है। हाँ मैंने पी है, मैंने एक बार पी थी बहुत टाइम पहले व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे नहीं पता था, मुझे ये बोल के पिलाया गया था कि जूस है आप पी लो, तो दूध का था, शेक के हिसाब से मैंने पिया। और वो पीने के बाद आई टेल यू मैंने इतना खाना खाया है कि मैंने जीवन में इतना खाना नहीं खाया होगा। मतलब हर 5 मिनट में मुझे भूख लगता था वो भांग खाने के बाद। तो वो दिन और आज का दिन है, मैंने कान पकड़ा, भांग को मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। जो एक फेवरेट गाना है होली का, जो मुझे दिल से पसंद है और ये ऐसा होना चाहिए, होली के दिन दिल खिल जाता। अरे बाप रे, मैं एक तो पहली बात तो सिंगर नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, बस। ये नाना पाटेकर और ये अक्षय कुमार, जो आज तक मेरे समझ में नहीं आए, और ये आई थिंक शाहिद कपूर बोलूँगी मैं, ये शाहिद कपूर, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कलर है, ये मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, वो सलमान खान ही बोल सकती हूँ मैं। और ये बहुत सारे मिक्स है इसमें, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है, तो वो एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है। जो एक और हीरो जो मेरे आज तक समझ में नहीं आया है वो है सैफ अली खान, तो ये सैफ अली खान को मैं देना चाहूँगी ये रंग। अरे बलम तो मेरा बॉलीवुड में तो कोई नहीं है, आई टेल यू। हाँ फ्रैंकली मेरे तो राहुल जी है, राहुल गांधी जी है, तो प्यार से और दिलो जान से तो मैं राहुल जी के लिए गाना गाऊंगी। मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं किसी और के पीछे गाना गा के, किसी और के पीछे माता पटक के, जब पूरा वर्ल्ड जानता है कि राहुल गांधी जी अब क्या बोलूँ यार, घड़ी घड़ी बोलने का क्या मतलब है। तो फिर वही, तो मैं बलम पिचकारी हो या चाहे अंग से अंग मोहे लगा ले या जो भी है, वो तो सिर्फ द वन एंड ओनली राहुल गांधी जी, और उन्हीं के लिए गाऊंगी। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि होली जो है, अगर आने वाला आज का होली हो, भविष्य का हो, जब भी का भी हो, मैं हमेशा चाहूँगी कि राहुल गांधी जी और सिर्फ मैं हो और कोई हो ना हो। थैंक यू। प्लीज मुझे कलर्स।
और मेरा जो दूसरा वीडियो है मैंने किया शहजूद के साथ, शहजूद जी के साथ हमको, तो आप लोगों की विशेष लेना चाहूंगी. मैं उस वीडियो की दो लाइन पा लू नए वाले की. पहले तो सिंपल लगते थे, अब है जी जी प्यार व्यार की बातें कर ले, क्यों है इतनी रूप. गड्डी में तुझे घुमाऊंगा, सगरम पे तुझे ले जाऊंगा, सगरम लगड़ दे दे तो मैं कुत्ता भी बन जा. चल यहाँ से घर चलते हैं, खेलेंगे होली. बच्ची की आवाज सुनी संचिती और डीजे शहजूद की आवाज सुनी है सर. आई रिक्वेस्ट सर प्लीज ज्वाइन मी सर. बैंगलोर से हमारे कन्नड़ फिल्म के डायरेक्टर सुधीर सर आए हुए हैं, उन्होंने कन्नड़ एक फिल्म रिलीज की, अभी हिंदी शुरू कर रहे हैं. ऑलरेडी पंकज कपूर जी को हमने आज साइन भी कर लिया है, तो इस फिल्म के लिए एक्टर भी, सिंगर्स भी मिल रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्लीज हमारे बीच आए प्लीज. और तनीषा प्लीज प्लीज ज्वाइन, एक तो आप भी आइए इधर. आई रिक्वेस्ट जोया प्लीज कम है, संचिती इज ऑलरेडी देयर. तो डीजे भाई आपने माहौल बन गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक भजन ही गा दें आशीष चंद्र शास्त्री की आवाज में, और ऑडिशन हो जाएगा हमारे हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब के लिए. प्लीज कुछ सुना दीजिए. थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम तब हो जाता है सिंगर के बाद किसी म्यूजिक डायरेक्टर को ये बोला जाए कि आप कुछ गा दीजिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है और नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि जब हम म्यूजिक कर रहे होते हैं तो फिर हम बता सकते हैं कि अरुण जी आप थोड़ा ऐसा गा लीजिए या आप थोड़ा ऐसा, लेकिन अभी गा के कैसे बताएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट है. एक लाइन हिमांशु भाई आपके लिए गाता हूँ. जहाँ से मेरा करियर पूरा शुरू हुआ डीजे शहजूद कैसे बने, वो एक पहली लाइन थी. हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, कोई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, न लेकर आए, तुम बर्मा की गलियों में फिरते और हम देहरादून तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, मेरे पिया गए रंगों ने वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती. तो एक सफर था और उसमें बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स के साथ, बहुत ही कह सकते हैं कि ब्लेस्ड, इंडिया इज द ब्लेस्ड कंट्री जहाँ इतना टैलेंट, बस एक ही चीज़ की कमी है कि प्रमोशंस नहीं. टैलेंट है उसको प्रमोशंस नहीं मिलते. अगर यही सब हॉलीवुड में होता तो अरुण जी के पहले गाने के बाद इनको कई पुश्तों तक रॉयल्टियाँ आती और इनको लाइफ में कुछ करना भी नहीं पड़ता. तो इट्स इंडस्ट्री. एंड अभी मैं अपने नए गाने की भी दो लाइन जरूर गाऊंगा, ये मंच है. मुंबई का ओपनिंग गाना पड़ेगा आपको. अच्छा आमची मुंबई तो बच्चियां बहुत सी गा रही है.
ये प्यार क्या है किसी ने न जाना, सबकी जुबान पर मगर ये फसाना, जादू है ये क्या पता कब किस पे ये चल गया, शोला है तेरा बदन कब किसका दिल मचल गया। अरे पहले तो सिंपल लगती थी, अब है जी जू थोड़ा प्यार व्यार की बढ़ते करते, क्यों है इतनी दूर गड्डी में तुझे घुमाऊंगा। चलिए थैंक यू एंड हैप्पी होली टू ऑल माय गेस्ट एंड फ्रेंड्स। मेरा गाना मैं गाऊंगा एंजॉय। पहले ये बताइए आपको मालूम था कि मैं गाता हूँ, यस और नो? नहीं मालूम था। ओके चलो अच्छा है, आप लोगों को पता चल गया कि मैं कभी कभी गाता भी हूँ। देखिए मेरे हर गाने में एक आशावाद है, एक ऑप्टिमिज्म है, रंग है, हर तरह के रंग है, खुशी के रंग है। मैंने आई हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड माई म्यूजिक डायरेक्टर्स, माई प्रोड्यूसर्स, माई डायरेक्टर, कि जो भी गाना मुझे मिलता है उसमें कहीं ना कहीं जोश होता है, जेस्ट होता है, जील होता है, जिससे कि लोग डांस करें और वो खुश रहें, उनके पैर चलें, उनका दिल गाए और उनका दिमाग गाए। मेरे हर गाने में पहला गाना जो तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना से है, वहाँ से शुरू हुआ सफ़र और लंबा चला, लेकिन 15-17 साल में मैंने सिर्फ 306 गाने गाए, सिर्फ 306 गाने गाए। और अभी मैं एक एल्बम लेके आ रहा हूँ, आ गया हूँ, आ चुका हूँ आपके सामने हूँ,
और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े जोश और खरोश के साथ करूंगा विद इन 10 डेज, एंड उसमें आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप सब आइएगा। आके जो हमारी नई एल्बम है इश्क फकीरी, वीनस की एल्बम है, आप ब्लेस कीजिएगा ताकि जो मुझसे अच्छे संगीतकार हैं, जो अच्छे गायक हैं, वो इससे भी अच्छा काम करें, ताकि अच्छा काम वायुमंडल में रहे। आई होली का रंग बरसे भीगे चुनर वाली, 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 रंग बरसे पीके चुनर वाली, रंग बरसे पीके चुनर वाली, रंग बरसे। देखिए आई एम फ्रॉम पंजाब लुधियाना, तो हमारे शहर में होली जरा आपको कुछ बोलूं, हमारे शहर पंजाब में लुधियाना में होली को बड़े कमाल के ढंग से मनाया जाता है। उसमें हम गलियों में जाते थे, ऊपर से फव्वारे फूटते थे, और वैसे ही हाल बम्बई में है। बम्बई में हमने होली बहुत शानदार तरीके से बहुत साल मनाई है। हमारी बेसिकली जितनी भी होलियाँ रही हैं वो शबाना जी के घर में ही रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपने अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए, तो कभी कभी जब होली मनाने का आता है तो मैं तो ये सोचता हूँ जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हमारे लिए होली है, जब भी अच्छा गाना गाते हैं तो हमारे लिए होली है, जब भी अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है, अच्छा सीन करके आते हैं तो हमारी होली है। होली की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जब भी मन में खुशी होती है इट्स लाइक ए होली। जी मैंने 4 बार भांग पी है, मैंने 4 बार शबाना जी के घर में भांग पी है, और ऐसा दिमाग घुर 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 होता था, और एक ही डॉक्टर से मैं इलाज करवाता था, और वो इलाज मेरा करता था, और वो कोई ऐसा इंजेक्शन लगाता था जिससे कि 5 मिनट में वो सारा नशा हो जाता था। और बड़े बड़े वो हैं, बड़ी बड़ी गाथाएं हैं होली के लिए। एक बार हमारे दोस्त अनीस बजमी साहब, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत फिल्में बनाई उन्होंने हमको प्यार ही प्यार में भांग पिलाई, उसके बाद उन्होंने तंबाकू वाला पान खिलाया, फिर भांग खिलाई, और फिर कोई गोली सी भी खिलाई, उससे हमको पता ही नहीं चला। फिर हमको वॉक करा के लेके गए, मैं हैरान था कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या है, लेकिन वो मज़ा ही कुछ और था। वो ऐसी होली बहुत कम होती है, आज भी यहाँ पे वैसी होली है। देखिए खुशी, देखिए इनके चेहरे पे कितनी खुश है, एवरी वन इज सो हैप्पी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द होली। मूवी अड्डा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम बड़ा अच्छा है, मूवी अड्डा। एक अड्डा होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और श्रोताओं का बेस्ट अड्डा यही है, मूवी अड्डा। इससे बेहतर अड्डा कोई मिल ही नहीं सकता। ऑल द बेस्ट। वेरी वेरी हैप्पी होली, और वेल क्या बोलूँ मैं। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रही, बोलो। वो मस्ती कर रही थी। अब देखिए तनिषा सिंह अगर सिंपल आएगी तो लोग या तो बेहोश हो जाएंगे या तो मुझे पहचानेंगे नहीं, ये दो में से कुछ एक से एक ही चीज़ हो सकता है। बिकॉज मेरी जो आइडेंटिटी है समथिंग यूनिक ड्रेस, यूनिक स्टाइल, यू नो मैं इसमें ज़्यादा फेमस हूँ अपार्ट फ्रॉम द एक्ट्रेस। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को नाराज़ करती। तो होली का समय है तो कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट था, इसलिए मैंने सारे कलरफुल कपड़े पहने, मैंने दुपट्टा नीला पहना और ब्लाउज हरा पहना और ये
रानी कलर पहना हुआ है, बिकॉज होली है भाई, तो होली में कुछ तो अलग होना चाहिए। तो मैं कैसे सबसे पीछे हो सकती, बिकॉज मैं द ओन एंड ओनली व्हाट यू कॉल वन एंड ओनली तनिषा सिंह ही है जो सबसे डिफरेंट है। मैं तो बहुत कुछ सोचा हुआ है और होपफुली वो सब बहुत करूँगी भी मैं। जैसे अभी मैंने अभी थोड़ा 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 सब जगह जाके मैं होली खेल ही लेती हूँ। जैसे आज यहाँ पे आप लोग के साथ खेला, फिर कल किसी और के साथ खेला था, अब मेरा कल का कुछ और भी प्लान है। बट फाइनल जिस दिन होली है उस दिन मैं अपने फैमिली के साथ ही खेलती हूँ और अपने फैमिली के साथ ही खेलूँगी और अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने दोस्त यू नो और अपने रिश्तेदार खानदान उनके साथ। देखिए मुझे मस्ती, मैं बहुत मस्ती खोरूँ और हम लोग कॉलेज टाइम में भी बहुत मस्ती किया है। मैंने एक्चुअली किसी को पिला दिया था, तो किसी ने मुझसे बहुत टाइम के बाद बदला लिया, कॉलेज में ही मुझे किसी ने पिला दिया ये बोल के मिल्कशेक है, तो बस तभी चखा था। बट नशा बड़ा खतरनाक था यार, बहुत खतरनाक था। बट समझ लो घर के राशन बच गए पूरे, ने तो ख़त्म हो जाते क्योंकि हर 5 मिनट मैंने इतना ठूसा कि मैंने पूरे जीवन में इतना ठूसा वो दिन और आज का दिन। मैं भांग की तरफ देखती भी नहीं हूँ और मेरी नज़र में कोई भी अगर इंजॉयमेंट करना है आपको तो ज़रूरी नहीं कि किसी नशे का सहारा लेके ही करना चाहिए। होश में भी बहुत सी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि कोई भी फेस्टिवल हो उसको आप भांग पियो या ड्रिंक करो तो ही आप अच्छे से मना सकते हो, बिना भी उसके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। मेरा होली तो सिर्फ राहुल गांधी जी है। अगर वो मुझे मिलते और ऑफकोर्स वो मुझे मिलेंगे तो उनके लिए मैं डेफिनेटली एक गाना गाना चाहूँगी। सॉरी मैं बहुत ख़राब सिंगर हूँ यार, व्यूअर्स प्लीज़ कान बंद कर लेना ओके। रंग लगा दे मोहे अंग लगा दे मैं तो तेरी सॉरी भूल गई जोगनिया हूँ तू जोग लगा सॉरी यार बस इतना आता ही मैंने गा दिया, बाकी क्या यार खुद भी समझ लो यार, आप लोग समझदार हो। मैं तनिषा सिंह मैं आप सब लोग को विश यू वेरी हैप्पी होली बोलना चाहूँगी। उससे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तनिषा सिंह को इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, मेरे हर क्लिपिंग्स पे आप लोग इतना आपकी अच्छी व्यूअरशिप होती है, आप लोग इतना अप्रिसिएशन करते हैं। प्लीज़ अपनी प्यार और अपनी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रखना, मुझे अपनी ब्लेसिंग देना, अपना आशीर्वाद देना कि आने वाले भविष्य में मैं जो भी काम करूँ हर काम में मुझे सक्सेस मिले और हर काम में मेरी तरक्की हो और आप लोग के आशीर्वाद से मुझे हर काम में मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल 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 वेरी 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 हैप्पी होली, लव यू ऑल, थैंक यू। ऐसे बोलूं कि आज होली है, आज होली है तो फिर आज होली है इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और यहाँ सब लोग जो आए हैं वो सब लोग मेरा गाना सुन रहे हैं और मेरे गाने पे नाच रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जैसे आपने कहा कि आपके गाने पे सब लोग नाच रहे हैं तो इस तरह का गाना है, कुछ गाने के बारे में बताएंगे। ये जो गाना है वो मेरा फर्स्ट एल्बम है। ये जो इस गाने में ये एक ही गाना है लेकिन इस गाने में 5 languages है।
इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी। तो मैं चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा गाना यूट्यूब पे ज़रूर देखें। इसका वीडियो भी बनाया गया है जो कि मुंबई के लाल बागचा राजा, फिर और गेट ऑफ इंडिया, और मतलब इंडिया मुंबई का जो कल्चर है, जैसे गरबा खेलते हैं लोग और दयांडी फोड़ते हैं, तो वैसे ही ये इस गाने में ये सब आ जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इस गाने को देखें और जितना चाहे मुझे उतना आशीर्वाद दीजिए। होली सेलिब्रेशन, जैसे मैंने बताया मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, तो फिर मैंने आज तक कभी भी होली को मिस नहीं किया, कभी भी नहीं। आई जस्ट लव होली। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। हजीस पहन के जो तूने मारा टुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। थैंक यू। आपने बहुत धमाल किया, बहुत डिफरेंट म्यूजिक है, 6-8 बीट था। तो ये गाना जब बन गया, उसके बाद गाना बड़ा हिट हो गया है, तो अभी इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस गाने के बारे में क्या कहोगे भाई? डीजे भाई बताइए। अबाउट सॉन्ग तो एक ही चीज कह सकता हूँ कि यूएसपी सॉन्ग की थी संचिति की वॉइस, बहुत यंग वॉइस है, और जो उसका परफॉर्मेंस का लेवल है वो इतना अच्छा है। ऑल द टाइम जब भी मैं उसको देखता हूँ, शी इज ग्रोइंग एंड शी इज मैच्योरिंग हरसेल्फ, तो एक बड़ी चीज थी। एंड आई वाज सो हैप्पी कि जब मिस्टर हिमांशु ने मुझे पहली बार बोला था कि एक छोटी बच्ची के लिए गाना बनाना है, तो इट वाज अ न्यू टास्क, बिग चैलेंज, बट फॉर्चुनेटली उसने बहुत अच्छा गाया। और गाने के बारे में ये था कि इट्स ऑल अबाउट मुंबई। जब आप बॉम्बे के बारे में सोचते हैं, तो बॉम्बे की नाइट लाइफ, बॉम्बे नेवर एवर स्लीप्स, एंड अबाउट गणपति बाप्पा मोरिया, अबाउट गरबा, अबाउट एवरीथिंग। वी एक्चुअली ट्राई टू टेक एवरी कलर ऑफ बॉम्बे, दिस वॉज द होल आइडिया, एंड शी परफॉर्म्ड इट वेरी नाइसली। हैप्पी होली टू हर एज वेल। आई हैव विद मी, यू विल इंट्रोड्यूस, यू विल कशिश, जिसने लास्ट वीडियो यहीं पे शूट किया था। अच्छा कशिश, आज होली है, तो होली के दिन आप क्या कर रही हैं? आज व्हाइट में आई हैं, वो कलर अभी सब लगा दें। ये बोलना चाहूंगी, प्लीज मुझे कलर्स मत। मैं सबको विश करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि मेरा जो दूसरा वीडियो है मैंने किया शहजुड के साथ, शहजुड जी के साथ, आपको तो आप लोगों की विशेष लेना चाहूंगी। मैं उस वीडियो की दो लाइन गा दूं? हां बिल्कुल, नए वाले बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सिंपल लगती थी, अब है जी ट्यू, प्यार व्यार की बातें कर ले, क्यों है इतनी रूप? ओ वाह। गड्डी में तुझे घुमाऊंगा, सिग्नल पे तुझे ले जाऊंगा, सिग्नल लगा दे दे तू, मैं तो कुत्ता भी बन जाऊंगा। चल यहाँ से घर चलते हैं, खेलेंगे होली एंड सब कुछ भूल जाते हैं, ऑल अबाउट प्यार की होली। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे जितने भी मेहमान आए हुए हैं, अपना होली का एक्सपीरियंस बताइए। और पहले अरुण बख्शी साहब के लिए जोरदार ताली। बॉर्डर से आए हैं, सीआरपीएफ और जवानों के साथ उन्होंने इस एल्बम को लॉन्च किया और बहुत बड़ा रिस्पांस मिला है। तनिषा, आज होली है, आपने बड़ा कुछ बोली है, तो आप क्या बोलना चाहेंगी होली के बारे में और रंगों के बारे में? मैं होली के बारे में ये बोलना चाहूंगी, होली एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें सारे रंग होते हैं, जिसमें प्यार, दोस्ती, बहुत सी चीज़ें हैं जो सारे रंग को मिल के एक टोटल एक मिश्रण होता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि होली मेरे हिसाब से रोज़ होना चाहिए, ताकि इस बहाने लोग दुश्मन जो भी है वो दोस्त बन जाए और एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से और प्रेम से रहे। इसलिए मुझे होली बहुत पसंद है। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली इन एडवांस। आपकी एक लाइन सुनना चाहेंगे। द बेस्ट लाइन फॉर द होली वॉज, किसी ने कहा कि अगर
मिस्टर गब्बर सिंह का कोई टेलीफोन हो तो उसे मैसेज दे दो कि फला फला तारीख होली है और होली को ढूंढता ना रहे, बोले ना कि कब है होली, कब है होली, कब है होली, कब है होली। सो दिस इज अ प्री होली। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द वंडरफुल कलर्स इन द लाइफ। जिनको अपना करियर शुरू करना है उनको करियर का स्वर मिले, और जिनको जो खोज चाहिए उनको वो मिले। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। खुदा इस महफिल को महफूज रखे, खुदा इस महफिल को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हस्ती। खुदा इस महफिल को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हस्ती बहुत है। मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूं, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। Keep celebrating, stay blessed, all the very best, keep smiling, love you. एक लाइन सर, भाई साहब थोड़ा सा रिवर्ब दीजिए, डराइए मत। कम 6 साल लगाए हैं इसको और कोई कौर कसर नहीं छोड़ी इसके ऊपर, लाखों रुपए लगाए। जब तक मैं खुश नहीं रहा मैं इसको छोड़ा नहीं। और इसकी कुछ खास बात है कि इसमें मेरी मदर ने जाते जाते 2 गाने लिखे। और एक बात ये कहना चाहूंगा कि माई मदर हैड, उनका चेहरा जो था उनको उसको लकवा मार गया था, बड़ी चिंता में थी मेरी माँ। तो मुझे बोली कि बेटा तेरे लिए चिंता ली मैंने। मैं कहा तुम्हारी चिंता के ऊपर गाना लिख दे। ज्यों ज्यों चिंता के ऊपर उसने गाना लिखना शुरू किया, लास्ट में जब आया लास्ट का स्टंजा, उसका चेहरा ठीक हो गया माँ। सच इज द पावर ऑफ म्यूजिक एंड सच इज द पावर ऑफ रूहानियत। और उसका मुखड़ा है, एक हटती ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, एक हटती ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, जिंदा रखती न मार मुकौंदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, चिंता चिता समान सोनिया चिंता चिता समान। और लास्ट का स्टंजा था कि सोची सोच न हो बसी जे सोचे लखवार, सोची सोच न हो बसी जे सोचे लखवार, ओही होवे बंदिया जो लिखिया करता, एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता। शी बिकेम एब्सोल्युटली ऑल राइट। सच इज द पावर ऑफ म्यूजिक। एंड एक दिन मैं अपने आप को ढूंढने निकला एज ए सिंगर, मेरा फेज ऐसा चल रहा था। तो मैं ढूंढते ढूंढते कि मैं जिंदा हूं, राख हूं, खत्म हो गया हूं, गर्क हो गया हूं, मेरा स्टेटस क्या है। तो मैं काफी जगह गया, ऑर्कुट पे गया, दूसरी जगह भी गया, फेसबुक पे, मुझे कई अरुण बख्शी मिला नहीं, मैं क्या खत्म हो गया, मर गया। ऑर्कुट पे मुझे एक लड़की मिली गुड़गांव की, भाई साहब हेलो हेलो चार्ली डेल्टा अल्फा ओए बांगड़ू कुछ मुंडे सुनना है यार, इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ मुफ्त में बगैर टिकट का शो कर रहा हूँ। एंड लड़की एक क्लब बना के बैठी है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, वो खुद। और वो कह रही है कि मुझे कोई बोल मिट्टी दिया बाव्या गाना दे। इसका पहला गाना बोल मिट्टी दिया बाव्या है, तो मैं आपको 2-1 लाइन सुना देता हूँ, बाकी आपका मन कर। ओए बोल मिट्टी दिया बाव्या वे तेरे, भजन कर दो प्लीज। अरुण जी तो यार।
की आवाज सुनी है सर, आई रिक्वेस्ट सर प्लीज ज्वाइन मी सर। बैंगलोर से हमारे कन्नड़ फिल्म के डायरेक्टर सुधीर सर आए हुए हैं, उन्होंने कन्नड़ फिल्म रिलीज के अभी हिंदी शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी पंकज कपूर जी को हमने आज साइन भी कर लिया है, तो इस फिल्म के लिए एक्टर भी, सिंगर्स भी मिल रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्लीज हमारे बीच आए प्लीज। और तनिषा प्लीज प्लीज शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी पंकज कपूर जी को हमने आज साइन भी कर लिया है, तो इस फिल्म के लिए एक्टर भी, सिंगर्स भी मिल रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, मैं चाहता हूँ कि वो प्लीज हमारे बीच आए प्लीज। और तनिषा प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट जो है प्लीज कम इज ऑलरेडी देयर। तो डीजे भाई आपने माहौल बन गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक भजन ही गा दें आशीष चंद्र शास्त्री की आवाज में, प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब के लिए प्लीज कुछ सुना दीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम तब हो जाता है जब अरुण जी जैसे टैलेंटेड और तो थोड़ा सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है और नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि जब हम म्यूजिक कर रहे होते हैं तो फिर हम बता सकते हैं कि अरुण जी आप थोड़ा ऐसा गा लीजिए या थोड़ा सा, लेकिन अभी गा के कैसे बताएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एक लाइन हिमांशु भाई आपके लिए गाता हूँ, जहाँ से मेरा करियर पूरा शुरू हुआ, डीजे शहजोद, डीजे शहजोद कैसे बने, वो एक पहली लाइन थी। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, कोई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, न लेकर आए, तुम बर्मा की गलियों में फिरते और हम देहरादून तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, मेरे पिया गए रंगों ने वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती। तो एक सफर था और उसमें बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स के साथ बहुत ही कह सकते हैं कि ब्लेस्ड, इंडिया इज द ब्लेस्ड कंट्री, जहाँ कितना टैलेंट, बस एक ही चीज की कमी है कि प्रमोशंस नहीं है। टैलेंट है उसको प्रमोशंस नहीं मिलते, अगर यही सब हॉलीवुड में होता तो अरुण जी के पहले गाने के बाद इनको कई पुश्तों तक रॉयल्टियां आती और इनको लाइफ में कुछ करना भी नहीं पड़ता, ट्रस्ट। तो इट्स इंडस्ट्री एंड अभी मैं अपने नए गाने की भी दो लाइन जरूर गाऊंगा, क्योंकि ये मंच है, मुंबई का ओपनिंग भी गाना पड़ेगा। अच्छा आपसी मुंबई तो बच्चे बहुत सी गा रही है, ये प्यार क्या है किसी ने न जाना, सबकी जुबान पर मगर ये फसाना, जादू है ये क्या पता कब किस पे ये चल गया, शोला है तेरा बदन कब किसका दिल मचल गया। अरे पहले तो सिंपल लगती थी, अब है जी जू थोड़ा प्यार व्यार की बातें कर, क्यों है इतनी रो, गड्डी में तुझे घुमाऊंगा। चलिए थैंक यू एंड हैप्पी होली टू ऑल माय। म्यूजिक में सिर्फ क्लैप है और यकीन मानिए क्लैप करने से कभी हार्ट अटैक नहीं होता सर, सो यू हैव टू क्लैप। भाई साहब आप डराइए मत, देख खुद खुद के सर ऐसा मत, थोड़ा मेरा गाना मैं गाऊंगा। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, फूले को रास्ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 फूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, अरे तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, पूरे सारे अरमा हमारे हुए,
सर से हम तो सितारे हुए, मस्ती लुटाएंगे खुशियां मनाएंगे, दुनिया के हर गम को हम भूल जाएंगे। मौका है मौसम भी है, टूटेंगे जम के मजा। अरे नाचेगा नाचेगा बेताला, नचाने वाला चाहिए तुन्ना 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 रे तुन्ना तुन्ना। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकी है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को पढ़ के उठाने वाला चाहिए। थैंक यू थैंक यू सर। संजय जी आप सबने हिंदी गाया है, आपने इंग्लिश गा लिया था, तो एक आई रिमेंबर इन द लास्ट अवार्ड फंक्शन आई फॉट फॉर दिस लिटिल गर्ल। ये प्रोग्राम लास्ट होगा, इस प्यारी सी बच्ची के ऊपर होगा। ताली से स्वागत कीजिए, जनरेशन नेक्स्ट है। तालियों की ताल बहुत खूबसूरत है। आप क्या गाएंगी? कलर्स यूज करें, होली त्यौहार है खुशियों का, तो उसे खुशी की तरह मनाएं। किसी के ऊपर गुब्बारे ना फेंकें, किसी के ऊपर कुछ पानी ना फेंकें। जब अगर वो नहीं खेलना चाहते तो प्लीज जबरदस्ती ना खेलें उसके साथ। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। थैंक यू। का दिन है और आज हमारे साथ में डबल धमाका, जी हाँ, एक एक्टर भी और सिंगर भी, अरुण बख्शी जी, जिन्हें कौन नहीं पहचानता। अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिल पर। पहले तो आपको शुभकामनाएं होली की और आप भी अपने दर्शकों को होली की शुभकामनाएं दीजिए। शॉर्ट्स मिल जाए तो।
हाँ हमने बस अभी हो गया।